ये जो प्रश्न है कि औघड़ कौन होते हैं, तो औघड़ के विषय में आप ये समझिए कि सृष्टि के साथ आदि काल से हैं औघड़। औघड़ जो है वो अघोर शब्द से आप शाब्दिक अर्थ ये समझिए कि अघोर का अर्थ है जो घोर ना हो, कठिन ना हो, जो सबसे सरल हो। तो सबसे पहली चीज तो है कि अघोर से सरल कोई है ही नहीं, सबसे सरल अघोर है। और अघोर एक पद है, पंथ नहीं है, यह एक पद है। इस पद को प्राप्त साधना के द्वारा किया जाता है। संत महात्मा अपनी साधना के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। और अघोर को आप ऐसे समझिए कि ये समदर्शी होते हैं, समवर्ती होते हैं। अघोर साधक जो होते हैं वे समाज में सिर्फ और सिर्फ कल्याण की मूर्ति है। समाज को के पूरे पूरे दायित्व को वो अपने दायित्व समझते हैं। आप उनसे संबंध रखें या न रखें, आप उनसे मिले या न मिले, आप उन्हें माने या अपमान करें, आप उनके साथ कोई भी व्यवहार करें या न करें, परंतु वे आपकी भी दायित्व को अपना दायित्व समझते हैं और वो उसी में लगे रहते हैं, रात दिन उसी में लगे रहते हैं। देखिए, औघड़ कभी भी किसी भी धरती पर कहीं भी साग भाजी की तरह नहीं दिखेंगे आपको। वो रत्नों और माणिक्य के समान होते हैं और पूरे भूभाग पर एक दो चार की संख्या में वे होते हैं, सब जगह नहीं होते। औघड़ तो आप बड़े कष्ट से, बड़ी कठिनाई से कोई एकाध दो लोग कहीं देख सुन लिए, मिल लिए तो मिल जाएंगे, अन्यथा वे सब जगह सुलभता से उपलब्ध नहीं होते। औघड़ के बारे में आप यही जानिए कि औघड़ जो होते हैं वे सीधा सीधा पूर्ण रूपेण इस पृथ्वी को संतुलित करने में लगे रहते हैं। जो पाप और पुण्य यहां पर हो रहे हैं उसमें पूरा पूरा योगदान उनका है कि यह पृथ्वी संतुलित रहे और सृष्टि का कार्य सुचारू ढंग से चलता रहे। सृष्टि में किसी भी प्रकार के असंतुलन को वो संतुलित करते रहते हैं। वे समाज के एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जिम्मेदारी को समझते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं, दृष्टि रखते हैं। अघोर परंपरा जो है यह सीधा सीधा शिष्य गुरु शिष्य संप्रदाय है। इसमें गुरु अपने शिष्यों को जो कुछ भी देता है, जिस भी माध्यम से देता है, वह सीधा सीधा जन कल्याण और समाज कल्याण के निमित्त ही देता है। अगर औघड़ जन कल्याण समाज कल्याण के अलावा किसी भी प्राप्त वस्तु का कोई उपयोग करता है, वह उसे किसी को कष्ट पहुंचाता है छेपे, तो वह औघड़ नहीं है, वह औघड़ है ही नहीं है। इसलिए औघड़ के विषय में आप समुचित चीज यही समझिए कि औघड़ सबका कल्याण की मूर्ति, सबका कल्याण करने के लिए उपस्थित होते हैं और संसार में सृष्टि में सभी का संतुलन बनाए रखने के लिए वो पूर्ण रूपेण अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यही अवघड़ की असली अवघड़ का असली परिचय है। बाकी ऐसे बहुत सारी बातें हैं अवघड़ के बारे में जो कही जाए तो समय ही कम पड़ जाएगा, परंतु प्राथमिक जानकारी के रूप में इतना ही समझें, इसको जाने समझें। वे जहां भी आपको मिले, किसी भी रूप में मिले, किसी भी प्रकार से आपका संपर्क हो उनसे,
तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके आगे शरणागति करनी चाहिए, और उनकी शरणागति आपको कई जन्मों को, आपकी कई पीढ़ियों को शुभ फल प्राप्त कराएगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। वंदन है। जय मां।